यार मैंने अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान के क्रेजियस फैंस देखा था। साउथ का मुझे आइडिया नहीं क्योंकि मैं साउथ में रहता नहीं, मैं मुंबई में रहता हूँ। मैंने बॉलीवुड फैंस को देखा है, उनकी दीवानगी को देखा, वो किस हद तक दीवाने होते वो देखा था। लेकिन फाइनली अब जब मैं वीडियोज बनाने लगा हूँ और एक ऐसी इंडस्ट्री सैंडलवुड जिसके बारे में मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं थी, लेकिन थैंक्स टू KGF जिसके बारे में मुझे एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में पता चला कि जहां पे बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन फिल्में बनती है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि वहां की सारी फिल्में हिट होती, क्योंकि हर इंडस्ट्री में कुछ ऐसी फिल्में बनती जो फ्लॉप होती है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ पावर स्टार पुनीत राजकुमार सर के बारे में। देखिए सर इनको इसके लिए बोल रहे क्योंकि वो एक लेजेंड है उस इंडस्ट्री के, और उनको वहां पे प्यार से लोग अप्पू सर भी बुलाते हैं, और काफी लोग उनको ये भी कहते हैं कि वो सैंडलवुड के माइकल जैक्सन है या तो फिर वो डांस मशीन है या तो वो बेस्ट डांसर है सैंडलवुड के। और फाइनली मैंने उनके काफी वीडियोज देखा डांस से रिलेटेड, और मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि ये इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई। एक ऐसा एक्टर जो इतना बेहतरीन डांसर है, उसके अलावा इनकी मैं खूबी की बात करूँ तो ये एक अच्छे एक्टर है, अच्छे डांसर है, अच्छे सिंगर है, और ये स्टंट्स भी खुद करते हैं। उसके अलावा ये काफी चैरिटीज भी करते हैं और काफी हम्बल इंसान भी है। और अगर मैं इनके डांस की बात करूँ तो जब ये डांस करते हैं तो आप उनको लगेगा कि इनके बॉडी में हड्डी ही नहीं है, मतलब ऐसा लगता है कि पूरा रबड़ के बने हुए, इतनी फ्लेक्सिबल बॉडी है। और जिस तरीके से ये मूव करते हैं, जिस तरीके से ये डांस स्टेप को इजी वे में करके दिखाते हैं, वो आप लोग यकीन नहीं कर सकते। हालांकि वो स्टेप्स बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन जिस तरह से ये करते हैं आपको लगेगा बहुत इजी है। और मैंने एक दो स्टेप इनकी कोशिश किया, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था। स्पेशली इनकी जो मून वॉक करने का स्टाइल है वो एक अलग ही लेवल का। उसके अलावा जो पैरों से रिलेटेड स्टेप्स करते हैं भाई, वो आप वीडियो देखो आप खुद समझ जाओगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी सॉन्ग्स थे उसमें कुछ ऐसे स्टेप्स है जो खुद वो इनोवेट करते हैं, और इनके अलावा ये सब स्टेप्स को इतने इजी तरीके से कोई कर नहीं सकता। अगर वो करना भी चाहे तो काफी प्रैक्टिस करने के बाद ही ये सब चीजें कर पाएंगे। फिलहाल तो मैं इनका डांस देखकर फैन हो चुका हूं, और मैं इतना ही कह सकता हूं कि मुझसे ये जो चीज छूटी है वो आप लोगों से ना छूटे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि यूट्यूब पे काफी वीडियो है इनसे डांस से रिलेटेड जो आप लोग देख सकते हो, और इनकी तारीफ करना नहीं बनता है। क्योंकि देखिए ये कोई आजकल के एक्टर है नहीं जिनकी तारीफ करके हम पब्लिसिटी करना चाहते हैं। ये बहुत ही पुराने एक्टर है और ये काफी सालों से एक्टिंग कर रहे हैं और काफी सालों से लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, और यही वजह जो इनके डाई हार्ड फैन है जिन्होंने मुझे कहा था कि भाई इनके डांस को देखो एक बार, आप भले वीडियो मत बनाओ लेकिन इनके डांस को देखो आप उनके फैन हो जाओगे। और मैं उन लोगों से ये बोलूंगा वाकई में मैं इनका फैन हो चुका हूं इनके डांस स्किल्स का। मैं आज तक ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ, शाहिद कपूर, गोविंदा को अच्छा डांसर या तो चिरंजीवी या अल्लू अर्जुन को बेहतरीन डांसर समझता था, लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट इंडिया के डांसर है, जो कि लोगों को जानना बहुत जरूरी है। और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के थ्रू काफी लोगों को पता चले कि ये सैंडलवुड के नंबर वन डांसर है, नो डाउट। और मैं इनके और भी वीडियोज देखना चाहूंगा, क्योंकि मैंने जितने भी वीडियोस देखा मेरा मन यही हुआ कि मैं और वीडियोस देखूं और वीडियोस देखूं, और यही सेम चीज आप लोगों के साथ भी होने वाली है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, इस वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब, और इस वीडियो को ज्यादा से शेयर करो। और आप अगर उनके डांस ऑलरेडी देख चुके हो तो मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको उनका डांस कैसा लगता है, और साथ साथ ये भी बताना उसके अलावा आपको उनकी और क्या चीजें अच्छी लगती है ये भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और ज्यादातर मैं इतना करूंगा, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग वायरल करो, इस वीडियो को शेयर करो। अगर आप अप्पू सर के नंबर वन फैन हो तो पर्सनली मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप ये वीडियो को शेयर करो, एटलीस्ट 5 लोगों को शेयर करो। अगर आप उनके फैंस नहीं हो तो आप लोग शेयर नहीं करोगे, लेकिन अगर आप उनके डाई हार्ड फैन हो, अगर आप चाहते हो कि पुनीत सर पूरी दुनिया में फेमस हो, तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करोगे। तो बस इस वीडियो में इतना, आने वाले कल में और भी वीडियोज बनेंगे कनाडा सिनेमा के ऊपर, कनाडा सिनेमा के एक्टर्स के ऊपर काफी कुछ चीजें आने वाली है, जैसे KGF चैप्टर 2 हो, या युव रत्न के बारे में और बातें करेंगे, या तो रॉबर्ट के बारे में बात करेंगे। तो बहुत सी चीजें कनाडा सिनेमा में आने को बाकी है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, जिसके बारे में हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे। और ASN को तो हमारा सपोर्ट इसी तरीके से चलता रहेगा, और जब तक हिंदी में रिलीज नहीं होती ASN हम सपोर्ट करते रहेंगे, यानी अरहान एंटरटेनमेंट सपोर्ट करते रहेगा। बस इस वीडियो में इतना, आपको वीडियो पसंद आए वीडियो करो लाइक, चैनल करो सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में, मैं हूं राशि शेख।